दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं अक्षय कुमार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अक्षय कुमार की छवि इन दिनों देशभक्त हीरो की हो गई है और इसी वजह से उनके राजनीतिक में आने की अटकलें चल रही हैं। पुलवामा अटैक के बाद अक्षय ने शहीदों के परिवार वालों को लाखों रुपए की मदद की। होम मिनिस्ट्री को भी अक्षय ने शहीदों के लिए फंड इकट्ठा करने में काफी मदद दी। इस दौरान देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। बॉलीवुड के कई कलाकार राजनीति आ रहे हैं या फिर किसी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अक्षय आए दिनों देश में होने वाली घटनाओं पर बयान देते आए हैं और सोशल मुद्दों पर बनी फिल्मों में वो हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि खिलाड़ी अक्षय कुमार राजनीति में आ सकते हैं। खबर आ रही है कि अक्षय दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इसी की चर्चा तेज है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें चांदनी चौक लोकसभा का टिकट थमाया जा सकता है। इसे लेकर पार्टी के आला नेता ने उनसे संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अक्षय कुमार की नजदीकियां देखी जा रही हैं। इस मौके पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। अक्षय राजनीति में आ रहे हैं या नहीं, इस पर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अक्षय कुमार पर दिल्ली के चांदनी चौक में बचपन बीता है और यही वजह है कि बीजेपी उनके नाम पर विचार कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने हाल ही में अक्षय कुमार से कहा कि वो लोगों को वोटिंग बूथ तक जाने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं अक्षय ने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट में अपना जवाब दिया और कहा कि डेमोक्रेसी के लिए वोट देना बहुत जरूरी है। अभिनेता विनोद खन्ना के निधन के बाद अक्षय कुमार के बारे में यह खबर आई थी कि क्या वो पंजाब के गुरदासपुर सीट से आगे चुनाव लड़ेंगे। उस दौरान अक्षय की राजनीति में आने की खबरें खूब वायरल हुई थी। अक्षय ने चुनाव लड़ने की खबरें को नकारा दिया था। अक्षय से साफ कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, काम करते रहना चाहते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों में भी काम किया है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म की वजह से नहीं, शहीदों सैनिकों की परिवार वालों की मदद के लिए करने की वजह से भी काफी चर्चा में है। अक्षय ने एक अब तक देश के नाम पर जान देने वाले कई शहीदों को परिवार वालों को लाखों रुपए दिए हैं। अक्षय ने मार्च 2017 में सुकमा में शहीद हुए 9 जवानों के परिवार वालों को 1,80,00,000 रुपए दिए थे। साथ ही उन्होंने भारत के वीर नाम का पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जिसके तहत अर्धसैनिक बल के जवानों की शहादत के बाद उनके परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए ऑनलाइन दान दिया जा सकेगा। साल ही 2017 में अक्षय ने फिल्म एयरलिफ्ट और रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी जीता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।